मुंबई दादर के वीर सावरकर मार्ग और न्यू प्रभादेवी रोड के जंक्शन पर गुरुवार सुबह सड़क धंसने के बाद गुरुवार और शुक्रवार को कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रही। हालांकि सड़क के धंसे हुए हिस्से में एक कार का टायर फंस गया, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जी साउथ वार्ड में स्थित NM जोशी मार्ग, सखाराम बाला पवार मार्ग, करी रोड और लोअर परेल जैसे इलाकों में शुक्रवार सुबह पानी की आपूर्ति बाधित रही। BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पाइपलाइन की मरम्मत के काम की वजह से 13 सितंबर 2024 को सुबह 4:30 बजे से 7:45 बजे के बीच पानी की आपूर्ति बाधित रही। हम जल्द से जल्द मरम्मत पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बड़े गड्ढे की वजह से स्वातंत्र्य वीर सावरकर मार्ग पर यातायात धीमा हो गया। हालांकि वे यह स्वीकार करने में विफल रहे कि यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। सड़क पूरी तरह से धंस गई थी, जिससे 3x5 फीट का गड्ढा बन गया था, जिसमें एक कार फंस गई थी और सिद्धिविनायक मंदिर के पास यातायात ठप हो गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि यह धंसाव शहर के किसी उपेक्षित कोने में नहीं हुआ था, बल्कि प्रभादेवी में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ कुलीन आबादी रहती है। इस क्षेत्र की सड़कों का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया था, जिससे किए गए काम की गुणवत्ता को लेकर और भी चिंताएं पैदा हो गई थी। अगर यह कार की बजाय मोटरसाइकिल सवार होता तो परिणाम दुखद हो सकता था।